In this question, we are having for what value of n are the nth terms of two APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal. हमने क्या किया? दोनों APs को लिख लिया 63, 65, 67. Let the last term of this AP be a n and the second AP is 3, 10, 17 and let its last term be n. उसके बाद हमने इनकी दोनों की nth terms निकाल दी है. उसने हमें क्या कहा कि n की किस value के लिए दोनों terms equal होंगी, तो nth terms हम निकाल के दोनों को equate कर देंगे and then we will find out the value of n. तो first AP का मैंने a1 निकाल लिया, first term मुझे given है 63, then d हमने ले लिया इसका, that is the common difference that is given to be 2, the difference between two consecutive terms. सेम वे में इन द सेकंड एपी वी हैव टेकन द फर्स्ट टर्म v1, उसको हमने 3 गिवन था, 3 लिख लिया, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स दैट इज गिवन टू बी 7. नाउ व्हाट वी आर टू डू, वी आर टू फाइंड द nth टर्म फॉर बोथ द एपीज एंड देन इक्वेट देम, क्योंकि हमें उसने क्या कहा है कि हमें n की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए दोनों एपीज की nth टर्म्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे. So its nth term will be a plus n minus 1 into d. n मुझे नहीं पता क्या है, n को मैं n ही लेके चलूंगी यहाँ पे. So last term a n is equal to a is 63 plus n minus 1 into d is 2. So this is 63 plus 2 n minus 2. So this is 61 plus 2n. Nth term of first AP आ गई मेरे पास 61 plus 2n. अब हम second AP की nth term निकाल लेंगे. So that is given by bn, b plus n minus 1 into d. So that is 3 plus n minus 1 into 7. That is 3 plus 7n minus 7, 7n minus 4. तो ए एन और बी एन हमने निकाल लिया. अब एन की किस वैल्यू के लिए ये दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल होंगी, सो वी विल इक्वेट देम एंड देन वी विल फाइंड आउट द आंसर. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने निकालना है ए एन इज इक्वल टू बी एन. हम इनको इक्वेट कर देंगे. इक्वेट करने पे ए एन हमारे पास है 61 प्लस 2n, बी एन है हमारे पास 7n माइनस 4. एन वाली टर्म्स एक तरफ रख लो और बाकी टर्म्स दूसरी तरफ. सो दिस इज 2n माइनस 7n इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61 दैट इज माइनस 65 दैट इज माइनस 5n. माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, n आपके पास आ जाएगा 65 अपॉन 5 दैट इज 13. तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 13, यानी कि आंसर आप लास्ट में लिखोगे 13th टर्म ऑफ गिवन टू APs आर इक्वल. इन द आंसर यू विल राइट डाउन 13th term of two APs, two given APs are equal. So this will be your answer. See the question once again. हमें दो APs given है, हमें n की value find out करनी है कि किस n की value के लिए जो उनकी nth terms है वो equal होंगी. तो हम ये मान लेते हैं कि let for n ए एन इज इक्वल टू बी एन. तो एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट एपी की आपने nth टर्म निकाल ली, सेकेंड एपी की आपने nth टर्म निकाल ली, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एन की किस वैल्यू के लिए दोनों जो nth टर्म्स हैं वो इक्वल होंगी. तो हमने nth टर्म्स को इक्वेट कर दिया, यहाँ से सिंप्लीफाई करके एन की वैल्यू आ गई. ये वैल्यू इक्वल के लिए ही आई है, सो दिस विल बी योर आंसर. सो लास्ट में आप लिख देंगे 13th टर्म ऑफ बोथ द एपीज will give us the equal nth terms. Now moving on to the question number 16. Question number 16 ki tarah ke questions humne kal bhi kiye the. If anyone of you will be having any doubt, so you are to raise your hand and I will unmute and then you can ask your doubt, both the sections. So question number 16, determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Whose third term is 16? This is your question number 16.
Find the AP whose third term is 16. Third term means A plus 3 है यहाँ पे, one less यानी कि 2B. This is your first equation. और हमें second line में वो क्या कह रहे हैं, whose seventh term यानी कि A7 exceeds the fifth term by 12. Seventh term exceeds the fifth term. Exceed कर रही है तो plus का sign आ गया. कितने से उससे ज्यादा है, 12 से. तो सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12. डिटरमिन द एपी, हमें एपी फाइंड आउट करनी है. सो यहां से हम इसको रीराइट कर लेते हैं. A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12. A7 की वैल्यू पुट करो, A5 की वैल्यू पुट करो. यहाँ पे पहले आप लिख देना, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी ए, क्योंकि हम ए लेके चल रहे हैं यहाँ पे. And common difference is D. So A3 16 given था, तो A plus 2D equal to 16 आ गया. Difference between the seventh and fifth term हमें 12 given है, क्योंकि seventh term fifth term से 12 ज्यादा है. तो A7 minus A5 equal to 12. You can skip this step, you can directly write down this also. So A7 की value A plus 6D, A5 की वैल्यू A plus 4D, this is equal to 12. आप यहां से A आपका कैंसिल आउट हो जाएगा. यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ D. D आ गया हमारे पास 6. D की ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ A. सो दिस इज A प्लस twice of 6 equal to 16, A plus 12 is equal to 16, A is equal to 16 minus 12, that is 4. A 4 आ गया, D आपके पास कितना है, 6 है, तो we can find out the AP. So the required AP is A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. So first term A आपका 4 है, second term 4 plus 6 that is 10. तो मैं इसको direct लिख रही हूँ. Then 10 plus 6 16, 16 plus 6 22 and so on. So the required AP आ गई आपके पास, 4, 10, 16, 22. So this is your question number 16. हमें इसमें given था third term of an AP is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. तो हमने मान लिया first term of the required AP is A and the common difference is D. Third term हमें 16 given थी, तो formula लगा दिया यहाँ पे हमने A plus N minus 1 into D वाला. तो third था यहाँ पे, तो A plus 3 minus 1 यानी कि 2D equal to 16 given था. Then difference between the seventh and fifth term हमें given है 12. गिवन किस तरीके से है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स के लिए प्लस का साइन आ गया. किससे एक्सीड कर रही है, फिफ्थ टर्म से. तो A5 प्लस 12. A5 को आप इधर ले आओगे, नेगेटिव हो जाएगा. A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12. दोनों की आप वैल्यूज पुट करोगे, सिंप्लीफाई करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ D. D आ गया आपके पास, यहाँ पे पुट किया हमने, तो हमारे पास A की वैल्यू आ गई. A और D अगर मेरे पास किसी भी AP का आ जाता है, तो I can find out any term of that AP. तो required AP आ गई, first term 4, then D इसमें add करते जाओगे, 4 plus 6 is 10, 10 plus 6 is 16, 16 plus 6 is 22 and so on. So this was your question number 16. अब question number 17 ध्यान से करना. Find the 20th term from the last. इस तरह का क्वेश्चन आ जाता होता है काफी बार, फ्रॉम द लास्ट या फ्रॉम द एंड कुछ भी लिखा आ सकता है इसमें. तो बुक वाले मेथड से नहीं करवा रही हूँ मैं, दूसरे मेथड से करवा रही हूँ. बुक में भी इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन है, यू कैन सी दैट ऑल्सो. अगर आपको लगता है कि आप वो मेथड कर सकते हो इजिली, तो यू कैन गो फॉर दैट मेथड. अदरवाइज ये वाला ईजी है जो मैं करवा रही हूँ. फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी 3, 8, 13. And so on. Last term मुझे given है 253.
मुझे क्या करना है, आई हैव टू फाइंड आउट इट्स 20th टर्म फ्रॉम द एंड. तो 20th टर्म फ्रॉम द एंड के लिए फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, क्योंकि या तो आप यहाँ पे करो कि पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, फिर उसमें से 20 माइनस करो, क्योंकि पीछे से आपको देखनी है. देन अब जब उसमें से 20 माइनस करोगे आपको, क्योंकि एग्जैक्ट टर्म निकालनी है, तो प्लस वन भी करना पड़ता है. बच्चे वहां पे क्या करते हैं, प्लस वन करना भूल जाते हैं, तो इसलिए मैं उस मेथड से नहीं करवाती हूँ. मैं क्या करती हूँ कि इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखवा देती हूँ कि रीअरेंजिंग रीराइटिंग द एपी इन रिवर्स ऑर्डर. तो फर्स्ट टर्म है आपकी 253 डैश 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 13 8 एंड 3. रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं 253 डैश 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 13 8 एंड 3. अब क्योंकि मैंने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो अब जो पीछे से यहाँ पे पीछे से जो 20th टर्म मेरी बननी थी वो आगे से 20th टर्म बन. ठीक है, तो सेम है, सिर्फ मैंने जो मेरा ए था वो चेंज कर दिया, डी के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया, बाकी सारा मेथड सेम रहेगा. यहाँ पे आप लिखोगे नाउ द 20th टर्म फ्रॉम द एंड इन गिवन एपी विल बी 20th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इन रिवर्स्ड एपी. ठीक है, इसको देख लो इस तरीके से. मान लो हम गिवन है हमें आपकी क्लास के रोल नंबर्स 1 2 3 4 5 अप टू लेट अस सपोज 50. अब मुझे पीछे से 20th रोल नंबर कितना बनता है वो निकालना है. मैं क्या करूंगी, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लूंगी. तो यहां से जब मैं काउंट करना शुरू करूंगी, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, तो जो आपका नंबर 20 आएगा वो पीछे से है. ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि 20th टर्म फ्रॉम द एंड हमने निकालनी है. मैंने रिवर्स ऑर्डर ले लिया, तो रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, जो अब आपकी आगे से 20th टर्म बन रही है, दैट विल बी द एग्जैक्ट आंसर फॉर विच वी आर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब सेम वे है, हमने 20th टर्म निकालनी है, तो ए 20, उसके लिए अब इसी को लेके चलना है. ये ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म अब मेरी क्या बन गई, 253. कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स मैंने यहाँ से ली, 3 - 8 - 5. तो ये देखो क्या हुआ हमारा यहाँ पे, कि जो हमारा डिफरेंस ओरिजिनल एपी का बन रहा था वो यहाँ पे विद नेगेटिव साइन आ गया. अगर मैं ओरिजिनल एपी का डिफरेंस देखूं तो 8 - 3 - 5 है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, -5. जो यहाँ की लास्ट टर्म थी वो यहाँ पे क्या बन गई, फर्स्ट टर्म बन गई. तो जब भी आपका क्वेश्चन आएगा फाइंड दिस टर्म फ्रॉम द एंड, तो आपने इस तरीके से करना है. अब मुझे ए 20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन 20 है, ए गिवन है, डी गिवन है, तो आई कैन इजीली फाइंड आउट ए 20. सो दैट इज ए प्लस 19 डी. सो ए हमें गिवन है 253 प्लस 19 - -5. सो दिस इज 253 - 95. So this is -158 + 158. So 158 जो है वो आपकी वैल्यू है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट. So this is your answer. जब भी any of the term from the last निकालना है, simple सा concept लगाओ, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, देन जितनी भी टर्म आपसे पूछी है, 20th टर्म पूछी थी, तो इस रिवर्स एपी के अकॉर्डिंगली आप 20th टर्म निकाल दो. रिवर्स एपी में लास्ट वाली जो है आपकी टर्म वो फर्स्ट बन जाएगी, और ये टर्म्स इसी ऑर्डर में लिखोगे, देन ए आपको ये वाली टर्म मिलेगी, डी आप निकाल लोगे, जितनी टर्म आपको उन्होंने फाइंड आउट करने को कहा है फ्रॉम द लास्ट वो सेम टर्म निकाल लो, एंड दैट विल बी योर आंसर. So this was your question number 16, 17.
Now moving on to question number 18. The sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and sum of 6th and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. First three terms of AP आपको निकालनी है. तो जो जो सम गिवन है वो आप वैल्यूज पुट कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर. दो इक्वेशंस बनेगी, दोनों को सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर वैल्यूज ऑफ ए एंड डी. उनको आप सिंप्लीफाई करोगे तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा. सो सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24. ये गिवन है मुझे. सेकंड मुझे क्या गिवन है, सम ऑफ द सिक्स एंड टेंथ टर्म इज 44. अब वैल्यूज पुट कर दो. ए फोर है, फोर्थ टर्म मतलब ए प्लस थ्री डी. वन लेस होते हैं यहां से आपको पता है. ए एट है, वन लेस इज सेवन, तो ये हो गया आपका ए प्लस सेवन डी. 24 ए वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, डी वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, दिस इज 24. टू तीनों में कॉमन है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू. ए प्लस फाइव डी इज इक्वल टू 12. इसको ले लूंगी मैं इक्वेशन नंबर वन. सेम वे में आई विल फाइंड आउट द सेकेंड इक्वेशन. सिक्स है यहाँ पे, सिक्स टर्म है तो दैट इज ए प्लस फाइव डी. टेंथ टर्म है ए प्लस नाइन डी is equal to 44. 2a plus 14d is equal to 44. Dividing both sides by 2 again. क्योंकि 2 तीनों में common बन रहा है. So this will be a plus 7d is equal to 22. This is your second equation. दो equations आ गई, simplify करो. You will get the value of a and d. And then you are to write down the first three terms of the AP. So 2 माइनस वन. एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूं मैं. आपको जो आपने थर्ड चैप्टर्स में मेथड्स यूज किए हैं उनमें से कोई भी आप मेथड यूज कर सकते हो, दैट इज योर विश. सो दिस इज 2d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू 5. d मेरे पास 5 आ गया. अब d की वैल्यू जो है 5 आप पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a. ए आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यूज यूजिंग वन. ए की वैल्यू आ गई आपके पास 12 माइनस 25, दैट इज माइनस 13. सो द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी ए, a plus d, a plus 2d. So a आपके पास कितना है, that is minus 13. d 5 add करोगे minus 8, फिर 5 add करोगे minus 3. So the required first three terms of the AP minus 13, minus 8 and minus 3. This is your answer. Question में हमें given था sum of fourth and eighth term. तो हमने सम के लिए प्लस का साइन ले लिया. फोर्थ एट टर्म्स का सम 24 गिवन था. सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म 44 गिवन था. वैल्यूज पुट की यहाँ पे, एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई. दोनों को सिंप्लीफाई कर लो यूजिंग एनी ऑफ द एलजेब्रिक मेथड. आपके पास डी आ जाएगा, डी आ गया तो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके यू कैन फाइंड आउट ए. ए आ गया, डी आ गया. रिक्वायर्ड एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स निकालनी थी तो दैट आर ए, ए प्लस बी एंड ए प्लस टू डी. वैल्यूज पुट करके यू विल गेट योर आंसर. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 18. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में वी आर हैविंग सुब्बा राव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000. कौन से ईयर में उसकी इनकम जो है वो 7000 होगी. उसने जो है जब जॉब स्टार्ट की तो स्टार्टिंग में उसकी सैलरी जो है दैट वाज 5000 और हर साल जो है उसका इंक्रीमेंट लग रहा है 200 का. अब हमें ये बताना है कौन से ईयर में
उसका जो अमाउंट ही विल रिसीव इज 7,000। तो इससे हम पहले क्या करेंगे, एपी बना लेंगे, हमारी कौन सी एपी बनती है। देखो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 19। अब अगर हम ईयरली इनकम की बात करें तो ईयरली इनकम ऑफ सुब्बा राव देखो 5,000 पे वो लगा, यानी कि पहले साल उसको 5,000 मिले, नेक्स्ट ईयर 200 का इंक्रीमेंट लगेगा, 5,200 हो गए, उससे अगले साल फिर 200 का इंक्रीमेंट लगेगा, 5,400 हो गए, 5,600 हो गए, एंड सो ऑन, हर साल 200 का इंक्रीमेंट लगता जाएगा। मुझे निकालना है वो ईयर जिसमें उसका जो अमाउंट ही विल रिसीव इज 7,000। तो इट मींस आपको फिर वही चीज आ गई, कितने साल में ये होगा, तो जो आपको निकालना है हम उसको क्या मान लेते हैं, nth टर्म मान लेते हैं। तो लेट द nth टर्म इज 7,000, यानी कि nth ईयर में हम मान लेते हैं कि उसको जो अमाउंट मिलेगा दैट विल बी 7,000। तो मुझे n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, स्टार्टिंग की 5,000 से। Every year he is going to get an increment of 200. I have to tell in which year did his income reach 7,000. So मैंने मान लिया कि nth year में उसकी जो income है वो क्या हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। अब क्योंकि ये nth year में हो रही है, first year में जितनी थी income वो first term बना रही थी, second year की income second term बना रही है, third year की income third term बना रही है, तो nth year की income जो है that up the nth term. So, अब मुझे क्या क्या given है, I'm given a n, I'm given a, I can find out d, and I have to find the value of n. Again, जो हमने first exercise में formula लगाया था, that we will use. So, according to this, a is 5,000, d is the difference between any two consecutive terms, that is given to be 200, nth term 7,000, and n we are to find. So, a n is equal to a plus n minus 1 into d, put the values and get your answer. So this is 7,000 minus 5,000. This is equal to n minus 1 into 200. So yahan pe aap values put kar doge, ye aa jayega aapka 2000 upon 200 ho jayega. 200 kyunki idhar multiply kar rahe hai, idhar aake divide karega. This is equal to n minus 1, 10 is equal to n minus 1, yani ki n is equal to 11. n jo hai wo kisko represent kar raha hai, year ko represent kar raha hai. So in the answer you will write down, in the 11th year, answer zarur likhna hai, choti classes se aapko batate hain that you are to write down your answer in the proper way. So in the 11th year, his income will reach 7,000. So question में से ही आ गया, in which year did his income reach rupees 7,000? तो in 11th year his income will reach rupees 7,000. दोबारा देख लो इसको, सुब्बा राव जो है उसने एक जॉब शुरू की, फर्स्ट ईयर में उसको 5,000 मिला, एवरी ईयर ही इज रिसीविंग एन इंक्रीमेंट ऑफ 200. तो 5,000 प्लस 200 5,200, 5,200 प्लस 200 5,400, 5,400 प्लस 2 5,600 एंड सो ऑन, और nth ईयर में हमने मान लिया कि ही इज गोइंग टू गेट रुपीज 7,000. ए आ गया, डी आ गया, ए एन आ गया, एन हमें निकालना है. तो हमने फॉर्मूला यूज किया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एंड देन सिंप्लीफिकेशन पे एन की वैल्यू आपकी 11 आ गई. तो आंसर इज 11th ईयर. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन. इफ एनी डाउट इज देयर इन दिस यू कैन आस्क, अदरवाइज 20th question, we will finish this exercise today. We are still having 3 minutes, so we can easily finish. In question number 20, we are having Ramkali saved rupees 5 in the first week, then increased her weekly savings by rupees 1.75. Exactly isi type ka question hai aapka. First year mein wo, first week mein wo 5 rupees save kar rahi hai, and then 1.75 per week wo save karti jati hai, increase karti jati hai. If in the nth week her weekly savings become rupees 20.75, बिल्कुल सेम है यहाँ पे,
weekly savings of Ramkali. फर्स्ट वीक में 5 रुपीज, सेकेंड वीक में 1.75 इंक्रीज कर दिया, तो दिस बिकेम 6.75. नेक्स्ट वीक में अगेन उसने इसी में 1.75 इंक्रीज किया सेविंग में, तो दिस विल बिकम 8.50 एंड सो ऑन. अब वो कह रहे हैं कि इन द nth वीक शी हर सेविंग्स बिकम 20.75. बिल्कुल देखो सेम स्टेटमेंट बन गई, पहले वीक में 5 रुपीज है, अगले में 6.75 है, अगले में 8.50 एंड सो ऑन. ए गिवन है, डी आई कैन फाइंड आउट, ए एन गिवन है, एन आई हैव टू फाइंड आउट. तो सेम वे में आप कैलकुलेशंस करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. ए इज 5, डी इज 1.75. चाहो तो आप डायरेक्ट लिख लो, चाहे यहाँ पे माइनस करके दिखा दो. एंड ए एन इज 20.75. वैल्यूज यहाँ पे चेंज कर दोगे, सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेट करो जल्दी से और बताओ मुझे. बी क्विक, डू द कैलकुलेशंस एंड टेल मी द आंसर. एन की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? एन की वैल्यू बताइए बच्चे, सिंप्लीफाई करके जल्दी से क्या आ रही है? I can see one hand raised. Just a moment, Bhumika. Yes, bache. Bhumika, you can unmute yourself. Yes, Harshit. Ma'am, n equal to 10. N is equal to 10. Harshit, are you having any doubt or you were to tell me the answer? मैम नो आंसर ही बताना था. ओके 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 फाइन, ठीक है. एन इज इक्वल टू 10 आ जाएगा आपका. दिस इज 20.75 माइनस 5, दिस इज एन माइनस 1 इनटू 1.75. ऑन द दिस साइड वी आर हैविंग दिस एज 15.75 एंड अपॉन में 1.75, दिस इज इक्वल टू एन माइनस 1. आपका ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10. So you will write down, in the 10th week, her saving will become rupees 20.75. So exact ki aapka question number 19 ki tarah tha question. So homework parts mein even questions jo hai wo aapne sare karne hai. Question number 16, 18 and 20. So if any doubt is there, Jasleen, just a moment, bache. Yes, beta. मैम ने कहना था आपने चैप्टर के नोट्स भेजे नहीं पहले, इम्पोर्टेंट. बच्चे मेरे को ना जस्ट एक आज रिमाइंडर सेंड कर देना, तो आई विल सेंड, ठीक है? जस्ट सेंड मी, ड्रॉप मी अ मैसेज इन माय व्हाट्सएप एंड देन डेफिनेटली आई विल सेंड. If any child is having any doubt, then you can ask. You can unmute yourself and ask your doubt if you are having. Rishit, you can unmute yourself. Bache. Those who are not having any doubt, they can leave. हाँ जी. मैम जो आपने 18th क्वेश्चन करवाया था, उसमें आपने मैम दोनों टर्म्स को 2 से क्यों डिवाइड किया था? बच्चे वो क्योंकि तीनों में आपका 2 कॉमन आ रहा था. वो आपका ऐसे था 2a, सपोज अब मुझे एग्जैक्ट यहाँ याद नहीं है, मैं अपने पास से ले लेती हूँ. यहाँ मान लो ये है, तो 2 जो है वो आपका तीनों में कॉमन है. 2 आप यहाँ से कॉमन ले लोगे, दिस इज a प्लस 7d, यहाँ 22 है, ये 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, तो यू विल गेट द सेम थिंग. तो ये नहीं करना आपको, तो 2a के अकॉर्डिंगली आप दोनों तरफ, क्योंकि 2a बन रहा था तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस. मैंने कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए 2 से डिवाइड किया. फाइन, इफ एनी चाइल्ड इज हैविंग एनी डाउट, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द डाउट.